एक तरफ राज्य की सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ाई और विद्यालय की स्थिति में सुधार के लिए करोड़ रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बच्चों को बैठने की जगह भी विद्यालय में मौजूद नहीं है। बच्चों की पढ़ाई बरामदे में जमीन पर बैठा कर कराई जाती है और एक साथ 3 से 4 कक्षाएं संचालित हो रही है। स्कूलों में जगह की कमी के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। बच्चों की पढ़ाई बरामदे में जमीन पर बैठाकर कराई जाती है, एक साथ 3-4 कक्षाएं संचालित हो रही है। स्कूलों में जगह की कमी के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। स्कूल में शौचालय के साथ साथ पेयजल का भी अभाव है। शौचालय के लिए बच्चों के साथ साथ महिला शिक्षकों को खुले मैदान अथवा आसपास के घरों में जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वरिष्ठ अधिकारी इस बात से अनजान है, निदान के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। और जैसे ही मामला लखनपुर विकासखंड के ग्राम चिलबिल पंडोपारा प्राथमिक शाला का है, जहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। प्राथमिक शाला पंडोपारा में 1 से 5 तक के 6 बच्चे अध्ययनरत है। पिछले 1.5 वर्षों से ब्लैक बोर्ड के अभाव में शिक्षिका के द्वारा जमीन पर लिखकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे शिक्षकों को पढ़ाई कराने में तथा पंडो जनजाति के बच्चों को पढ़ाई करने में काफी परेशानियां होती है। तो वहाँ विद्यालय के 3 कमरों के दीवारों में दरार आ जाने पर स्कूल की सभी कक्षाओं को बरामदे में संचालित किया जा रहा है। साथ ही शौचालय के जीर्ण अवस्था में होने से बच्चों को व शिक्षकों को बाहर जाना पड़ता है। सरकार बदलने के 4 साल बाद भी चिलबिल पंडोपारा प्राथमिक शाला में पूर्व मुख्यमंत्री का फोटो नहीं बदला जा सका। आज भी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का फोटो दीवारों पर लगा हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का फोटो लगाना तथा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का फोटो हटाना प्रधान पाठक रामचरण भगत भूल गए। मेरा नाम श्रीमती रूपा मिंजी, मैं PS पंडोपारा चिलबिल की शिक्षिका हूँ। अच्छा मैम, यहाँ जैसे उनके अच्छे है सर। अच्छा, ये पूरा पंडो बच्चे। अच्छा मैम, यहाँ स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं है, किस प्रकार से पढ़ाई कराने में सामना करना पड़ता है आपको? सर, पढ़ाने में ब्लैक बोर्ड नहीं है इसलिए बहुत दिक्कत होती है। छोटी स्लेट मिले उसी से या तो शब्द कार्ड से ऐसे ही पढ़ाते हैं सर। अच्छा, तो ब्लैक बोर्ड के लिए कहीं आपने मांग किया था क्या कि पढ़ाई में परेशानी हो रही है? HM को बताया था क्या ये बात? हाँ, HM को बोले थे कि परेशानी होती है हमको बच्चों को पढ़ाने में। हाँ। बच्चे लिखते हैं जमीन में, कभी लिखते हैं। अभी स्कूल तो 1.5 साल से चल रहे। सॉरी, अच्छा 1.5 साल से ब्लैक बोर्ड नहीं है। हाँ। तो फिर कैसे पढ़ाती हैं बच्चों को? फिर बच्चों को छोटी स्लेट है या तो सब कार्ड से या तो जमीन पे चौक के द्वारा पढ़ाती है। अच्छा, जमीन पे चौक के द्वारा पढ़ाती है। प्रधान पाठक तो डाक देने गए, बोले माध्यान्ह भोजन का। अच्छा, 12:30 बजे गए। वापस आने के लिए बोले थे कि नहीं बोले थे? वो तो नहीं बात हो पाई। अब बेरोजगारी को कहिए बाय बाय। फास्ट इंडिया 24 न्यूज के साथ सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाए। फास्ट इंडिया 24 जो सभी राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक, भ्रष्टाचार, जुर्म, खेल आदि के साथ साथ क्षेत्रीय खबरों को प्रमुखता से दिखाते हैं। हम दिखाते हैं पल पल की खबर आपको सबसे पहले। फास्ट इंडिया 24 के लिए छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा एवं जिलों में अनुभवी रिपोर्टरों की आवश्यकता है। इच्छुक व्यक्ति हमसे संपर्क करें 7879809004 888-9531150। युवक युवतियों के लिए सुनहरा मौका। अगर आप में जोश, जुनून और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो जरूर मिले। अपने क्षेत्रीय खबरों की जानकारी के लिए YouTube में फास्ट इंडिया 24 को सब्सक्राइब करें ताकि फास्ट इंडिया 24 न्यूज चैनल की सभी खबरें आपको सबसे पहले मिले। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।